फैमिली यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यार। आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट डाली थी हैविंग माय फर्स्ट शेरी, तो उस पर आप लोगों ने 1800 व्यूज़ करा दिया यार। मेरी फर्स्ट वीडियो जो इतनी ज़्यादा वायरल लगी है, थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। यार अभी जो एक सीन हो गया था, आपको भाई चाय पी रहा था अंदर बैठा हुआ, तो ना मतलब मैंने चाय का ऑर्डर को पकड़ा था, तो तबसे मैंने वहाँ पर प्रेस किया, उनसे सारा कप गिर गया। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अब सही आया यार, गले में एकदम से ना खारिश पड़ गई थी, मैंने पहले इंट्रो स्टार्ट किया और एकदम से खराज पड़ गई। बस अभी है ना आपका भाई यार स्कूल शहरी वगैरह जो है ना हम लोगों ने कर ली थी, नमाज वगैरह भी पढ़ा है, आपको रेडी हो चुके स्कूल के लिए। बस अभी यहाँ जाएंगे स्कूल, स्कूल से आके मिलते हैं आपसे। और यार यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ना लस्सी भी पड़ी है, तो बस जल्दी से इस लस्सी को भी पी लेते हैं। 6 hours later अभी जो है ना आपका भाई आ चुका है स्कूल से। बस अभी जो है ना असर जोहर नमाज का टाइम होने वाला है, ठीक है, टाइम आपको दिखा देता हूँ। तकरीबन 1 बज रहा है 1:30 बजे होती है, तो बस जल्दी से नहा धो के फ्रेश होते हैं, उसके बाद चलेंगे उधर मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए। तो बस अभी जाना जल्दी से नहा धो, नहाने के बाद उससे मिलूंगा। तो यार फैमिली अभी जो है ना आपका भी नहा धो के रेडी हो चुका है, बस अभी जो है ना थोड़ा सा टाइम पड़ा, 5-10 मिनट 15 मिनट पड़ा है तकरीबन अभी, तो बस अभी जाना थोड़ी देर तक चलेंगे मस्जिद। अभी वेस्ट कोट पहनते हैं उसके ऊपर फिर चलते हैं सीधा मस्जिद। यार मैं आप लोगों को बता दूँ, अब जो है ना थोड़े से शुगर वाले और मस्ती वाले व्लॉग्स थोड़े से कम हो जाएंगे, थोड़े से इस्लामिक रूटीन होगी, ठीक है, अब जो है ना व्लॉग्स की, क्योंकि यार ये मस्ती वगैरह जो है ना ये तो वैसे ही चलती रहती है, लेकिन रमजान तो सिर्फ एक ही महीना होता है, तो एक महीने में थोड़े से इस्लामिक काम भी हम करेंगे। तो मैं आप लोगों को बताते चलूँ, ये हमारी फैमिली का पहला व्लॉग है, पहला मतलब पहला रमजान है, ठीक है, ये हम दोनों का साथ, हम सब लोगों का एक साथ पहला रमजान है, मतलब आप लोगों का मेरे साथ। वो देख सकते हैं वो जो है ना वो सामने है मस्जिद, ठीक है, वो रही, ठीक है। तो ये जो है ना एक हमारे लिए सहूलत हो गई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मस्जिद करीब हो गई है, पहले उधर मस्जिद होती थी, अब यहाँ ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, घर के साथ ही है। हम लोगों ने चीज़ वगैरह मस्जिद से नमाज वगैरह पढ़ी हुई, देख सकते हैं आप लोग, मतलब ये जनाब को भाई जा रहा है यहाँ से मार्केट चीज़ लेने, मार्केट साथ ही है कि मस्जिद और ये मार्केट। ये देख सकते हैं आपके भाई ने चीज़ भी ले ली है, बस अभी जाने जाने घर चलते हैं, खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद ये चीज़ खाएंगे। पहुँच चुका हूँ मैं चीज़ वगैरह लेकर, यहाँ पे मेरा खाना भी आ चुका है, खाने में हमारे पास है चावल कबाब और ये रायता, बस जल्दी से खाती है। मम्मी सर अभी जो है ना आपका वही जो है ना एडिटिंग कर रहा था, बस अभी जो है ना एडिटिंग फारिक हो चुकी है और तो और आसान भी हो चुकी है, बस अभी जो है थोड़ी देर तक वो शुरू करके सीधे चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद। यार यहाँ पे पहुँचे तो देखो वो है ना क्रिकेट खेली जा रही है, अभी जो है मैं बाहर आया तो यार यहाँ पे जो है ना सब लोग खेल के चले गए हैं, पता नहीं क्या हुआ। गाइस शाम की एक स्पेशल बात बता रहा हूं, यहां के मोस्ट 3 डेंजरस ऑलराउंडर्स की मैंने आज हैट्रिक की है। गाइस यस गाइस हैन को कमेंट में कांग्रेचुलेट कर दो, इसने बाबर आजम की, नसीम शाह की और तो और शाहिद शाह अफरीदी की विकेट ले ली है। बाबर आजम सायमयूब, क्या बात है, क्या बात है, कितनी बड़ी छोड़नी आ गई है इसको। अभी जो है ना रमजान में जो है ना आपका भाई आपके लिए ना रमजान क्रिकेट मैच भी लेके आएगा, बस यार अभी जो है ना मेरे पेपर हो रहे हैं और तो ना रात को हम लोग जल्दी सो जाते हैं क्योंकि सुबह उठ नहीं पाते इस वजह से, तो फिर जो है ना सीधा 12 बजे के बाद ही ना फुल मजे किया करेंगे, ठीक है, रात शहरी तक क्रिकेट खेला करेंगे, फुल मजे आएंगे, बस तब हम ना क्रिकेट व्लॉग करा करेंगे। अभी नहीं क्योंकि अभी दोनों जैसे एग्जाम चल रहे तो मैं जल्दी सोना होता है। अभी जाना बड़ी हैवी किस्म की और मजे की मजेदार हवा चल रही है, बड़ा सुकून मिल रहा है यार, इस हवा में ठंडी ठंडी हवा लग रही है, बहुत मजा आ रहा है यार। तो मुझे इनकी समझ नहीं आ रही है, पता नहीं बैडमिंटन से क्रिकेट खेल रहे हैं, देखना मुर्सा बॉल कराएगा, ये देखो अजीब कट मार रहा है पीछे की तरफ, भाई बैडमिंटन सही से खेलना नहीं आता तो क्रिकेट बना लिया, देखना एक और बॉल कराए मुर्चा, एक और बॉल कराना जरा, ये देखो यार अजीब ही। यार फैमिली आप लोगों ने सायरन देख लिया, जल्दी से सायरन बज गया है, मेरा तो रहता नहीं है लेकिन फिर भी चलते हैं, हम लोगों ने सबको साथ इफ्तार करना होता है, जल्दी चलते हैं और जाके मेरा रोज़ा तो है नहीं तो इसको हम रोज़ा नहीं कहेंगे कि रोज़ा खोलते हैं, तो नाला खोलो बाकी चलते हैं और जाके इफ्तारी करते हैं। छोट
ये हमारे पतफ्तारी में ये समोसे हैं, साथ ही कुछ फ्रूट चाट है। तो बस इसको खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। वो इतनी दूर से किसी और ब्लॉक से आए हुए थे, बयान सुनने के लिए। मजेदार मजेदार। अभी जो है ना आपका भाई जो है ना वो नमाज वगैरह पढ़ के जो आ चुका है। अभी मैं यहाँ पे ऊपर आया था रूम में देखने के, हुसैन कहाँ है? तो यार हुसैन और मोहम्मद दोनों ही नहीं है। हुसैन जो है ना नीचे मेरी दादी के सामने रूम में बैठे। चलो आप उसके पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। यार अभी जो है ना आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई जिस टाइटल तुमने आप देख के आए हो कि आज मेरा रोज़ा क्यों नहीं रखा, मैं आपको बताता हूँ कि हाँ क्यों नहीं रखा। आज तरह जैसे कि आपने ये क्लिप्स आके आप सामने आ रही होंगे, आप देख रहे हैं कि इनमें जो है ना मैं मार्केट भी गया था चीज़ लेने, मैं घर में खाना भी खाया था और तो और मैंने लस्सी भी पी थी। तो यार ये मैं आपको बात क्लियर कर दूँगी मैंने क्यों पी थी, क्योंकि यार आज था ना ये मेरा रोज़ा नहीं था। अब यार इतने तो आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह समझदार हो गई कि आपको पता होगा कि मैंने रोज़ा नहीं रखा था इस वजह से जी, क्योंकि रोज़ा मैंने नहीं रखा था इस वजह से मैं चीज़ें वो खा रहा हूँ। और यार अब मैं आपको बता दूँ कि मैंने छहने का रोज़ा क्यों नहीं रखा था, क्योंकि यार पहली बात तो है ना मैं उसे आज एक सहरी में नहीं उठा गया था, उसी के बाद मेरे जो है ना पेपर चल रहे हैं ठीक है। तो मम्मा कहती हैं आप एग्जाम वो आप ना रोज़े ना रखा करो। तीसरी बात मम्मा ने मुझे कहा है कि बेटा अभी जो है ना आप थोड़े से छोटे हो, अभी आप और बड़े हो जाओ फिर आप रोज़े रखना, इस तरह आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। वैसे तो यार रोज़े रखने से ना हेल्थ पे मतलब असर नहीं पड़ता, हेल्थ आपकी इम्प्रूव ही होती है, लेकिन मम्मा ने कहा नहीं अभी आप छोटे अभी आप रोज़े ना रखो। यार मैंने आज जो है ना आज रोज़ा नहीं रखा था, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं कल रोज़ा रखूँगा। ना मैं नीचे पहुँच चुका हूँ, यहाँ पे जो है ना कि हुसैन बैठा हुआ है। तो फैमिली मैंने आपको जैसे बताया था कि हुसैन को जो है ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई थी। हुसैन क्या हुआ था आपको? हाँ क्या हुआ था फैमिली? यार ये ना बैडमिंटन ऐसे अच्छे तरीके से खेला जाता है, नमाज ऐसे पढ़ी नहीं जाती। फैमिली यार थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। यार आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट डाली थी हैविंग माय फर्स्ट सहरी, तो उस पर आप लोगों ने 1800 व्यूज करा दिया। यार मेरी फर्स्ट वीडियो जो इतनी ज़्यादा वायरल लगी है, थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। यार अभी जो है एक सीन हो गया था, आपको भाई चाय पी रहा था अंदर बैठा हुआ, तो ना मतलब मैंने क्या है कि वाटर कूलर में पकड़ा था, तो तब से मैंने वहाँ पर प्रेस किया, उनसे सारा कप गिर गया। मेरे कपड़े भी यहाँ से गंदे हो गए, मैं आपको दिखाता हूँ ये सारी शलवार मेरी, ये देखो ना ये देखो ये सारी शलवार ही यार, मैं पता नहीं इतनी भी है। अभी जो है ना आपका भाई आया था ऊपर अपने कपड़े वगैरह चेंज करने के, क्योंकि मैंने जो है ना कपड़ों पर चाय गिर गई थी। बस अभी जो है ना लोग ग्यारह तरावियों के लिए, तो चलो चलते हैं तरावियों पर पढ़ के जब आऊँगा फिर आपसे मिलूंगा। घर वगैरह क्या आ चुके हैं, जहाँ पे जाए आपका भाई कर रहे हैं एडिटिंग ठीक है। बस अभी एडिटिंग वगैरह करते हैं, इसके बाद मैं आपसे मिलूंगा आपके साथ कॉन्टेक्ट के साथ। अब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।